जैसे सीलिंग तो बिल्कुल एक भी ठीक नहीं है, क्लास क्लास में जाके देखा था इसको सर। मेंटेनेंस के लिए तो आप लोग को गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पाउंड तो आता होगा, और नहीं आता होगा तभी सर आप बताएगा तो ठीक रहेगा। जैसे ये तो कैमरा मैन इसको एक बार दिखाऊँ, देखो इसमें तो देखने में बहुत काफ़ी सारा बहुत खराब देखता है, और पटा भी सब जगह में पटा गया। बात के बारे में तो हम बोल नहीं सके क्योंकि हम भी नए नए हैं, लास्ट ईयर हम आया हुआ है, तो जब से मैं यहाँ पे आए तो ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। तो बात के बारे में तो अतोरिटी तो जानते होंगे हम लोग को, लेकिन हमको पढ़ाने से मतलब इतना ये नहीं सर। इसको सर जल्दी का जल्दी ठीक होने के लिए आपको क्या फील है? ये अथॉरिटी से अपील है कि थोड़ा स्कूल बेसिक इंस्ट्रक्चर को ध्यान देना एकदम सब जरूरी है, क्योंकि ऐसे में कैसे ये सेफ एंड सिक्योर, इसमें तो देखिए बहुत पता हुआ है। और पंखा एक तो दिया हम लोग का ऑनरेबल MLA इंदौर सर जी, लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आए तो उनका डोनेट किया वाला पंखा देख के हम भी कुछ ये किया है, इनिशिएटिव थे कि हम वायरिंग स्वेयरिंग हम मेरा पॉकेट से लगा के हम लोग ये लगाने दिया। देखने में बहुत खराब देख रहे हैं, जैसे आपके जो स्कूल का जस्ट बगल में यहाँ पे स्कूल है, जैसे बहुत पुराना है देखने में भी, इसका अभी टीना इना भी पूरा निकाल रहा है, और स्टूडेंट लोग को भी ये जब कुछ हो भी सकता है, ये स्टूडेंट को लग भी सकता है। सर इसका जो सिस्टम जो आपका रॉन्ग है, आप स्कूल का बच्चा का सर अभी ऐसे स्कूल को रखा है, तो सर इसका मेंटेनेंस के लिए आपको क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उपाय नहीं आ रहा है क्या? मैं हम लोग बार बार इसको कंप्लेन किया है, जो DDSC के पास भी आगे में भी दिया है, उसको तो बहुत पहले से साइक्लोन डैमेज किया है। साइक्लोन डैमेज करने के बाद हम लोग बार बार उसका कंप्लेन, जो आगे वाला में हम लोग का हेड सर था वो भी बार बार इसको कंप्लेन दिया था, लेकिन उसको मेंटेनेंस करने के लिए कुछ पैसा नहीं आया, और तो इसको बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं किया है। तो बाद में हम लोग डिमांड किया MLA को, हम लोग का इयरिंग सर आया था स्कूल में, उसको हम लोग ये बिल्डिंग को दिखाने का बाद वो डायरेक्ट बोल दिया कि होगा हम यहाँ में नया बिल्डिंग करा कर देंगे, तो इसका बाद से हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे। अभी बच्चा को भी यहाँ खेलने भी नहीं देता है, घूमने भी नहीं देता है, आने भी नहीं देता है। हम लोग जो अभी बिल्डिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है ऊपर में थोड़ा जो सेफ्टी है उसी में हम लोग एक्चुअली उनको तीसरे को हम टूपक पुमा तो एक्चुअली तीसरे में तो हम लोग को 9 to 10 चाहिए, 9 या 8 चाहिए थे, उसमें तो 7 से तो काउंट नहीं करना क्वार्टर में, हमें तो कहा सिर्फ 7 स्टाफ से चलेगा। अभी जो चल रहा है एक तो इंटर्नशिप में है, एक तो वॉलंटरी टीचर में है, वो तो MLA पान, लेकिन MLA 7 टीचर को कदम मतलब 7 टीचर तो होना ही पड़ेगा, 7 क्वार्टर तो होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, लेकिन यू हैव ओनली 3 क्वार्टर राइट नाउ, नाउ यू हैव नीडेड 4 क्वार्टर मोर। दबिंग का जो स्कूल का जो क्वार्टर लाइन पे अभी आया है हम, और आने का बाद हम देखा गए तो यहाँ पे बहुत ही सिचुएशन खराब है, तो इसको लेकर अभी यहाँ का जो सालुक से भी बात करेंगे, जैसे दबिंग यहाँ पे क्यों नहीं बैठ रहे? ये बिल्डिंग जो है काफ़ी पुराना हो गया, ये तो समथिंग 1985 समथिंग में बनाया था, और इसको आगे में यूज़ किया था, जब ये इसका शीशा वैसा सब टूट गया, उसको तो एक्चुअली वेकेशन में टूट जाता है ना, वेकेशन में बच्चों लोग ना क्या का कौन लोग आके इसको शीशा वीशा टूट देता है, लेकिन जैसे तैसे करके इसमें मैनेज करके बैठता था आगे में। आजकल अभी ये ऊपर का भी क्रैक हो गया, तो ऊपर में जो वाले वो भी क्रैक है, इसलिए हमें काफ़ी पुराना होने की वजह से हम लोग इस तब लोग बैठने का दिल नहीं होता है। अभी हम लोग को तो टीसर का बारे में बोलने से टीसर का एक क्वार्टर का बारे में बोलने से हम लोग का पास सिर्फ 3 क्वार्टर है, 3 क्वार्टर में एक तो ठीक है और एक को रिपेयरिंग करके बैठ रहा है, अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा है क्योंकि ये बहुत डैमेज हो चुका है ना, और डैमेज होने के वजह से इसको यूज़ नहीं कर सके क्योंकि इसका वॉल भी टूटा हुआ है। और पाइप का बारे में बोलेगा तो इसको तो पाइप आगे में था, बीच में हम लोग का यहाँ में पाइप लाइन ब्लॉक हो गया, पूरा बस्ती में पाइप लाइन ब्लॉक हो गया था, तो उसी की वजह से ये पाइप भी टूटा पोता हो गया, कहीं में ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक का अभी हम लोग ये पाइप लगा के नया पाइप नहीं डाल दिया है, इसलिए ये पाइप का कंडीशन ऐसा हो गया। हम लोग अपना बस्ती से हम बस्ती का है यही बस्ती का है यही बस्ती का हम लोग 2-3 टीचर हैं और सामने का बस्ती का, इसलिए हम लोग का अपना घर से आना पड़ता है। हम लोग का जो एजुकेशन मिनिस्टर वो लोग आपका क्या अपील है कि हो ये जल्दी जल्दी टीचर के लिए क्वार्टर यहाँ पे देने से ठीक है, कम से कम स्टाफ लोग भी है, तो क्या अपील है? हाँ, हमारा अपील है कि हो सके तो हम लोग को गवर्नमेंट अभी 3 क्वार्टर देने से ठीक है, और
तीन या चार क्वार्टर देने से हम लोग का यहाँ में भी काफ़ी होगा, क्योंकि आजकल हम लोग का यहाँ में जो सामने होता है वो घर से भी आने में प्रॉब्लम नहीं, अगर रास्ता ठीक होगा तो। अभी हम लोग का रास्ता भी खराब है, इसलिए हम लोग को क्वार्टर जरूरी है, चार क्वार्टर एटलीस्ट चार क्वार्टर जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी दो तो यूज़ कर रहे हैं, एक तो डैमेज है। इसको रिपेयरिंग तो कर सकेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि उसका वाल पूरा क्रैक हो चुका है और यह क्रैक तो काफ़ी पुराना होने के वजह से क्रैक हुआ है। जैसे व्यूअर्स, आज यंग बॉयज़ टीम देतक विलेज में आया है और यहाँ के स्कूल को विजिट हुआ है, तो देखने में आ रहे जैसे स्कूल का जो कंपाउंड है वो भी जंगल है, और स्कूल का जो है ग्राउंड है वो भी पूरा जंगल भरती है, तो यहाँ का जो गेट को भी देखा गया है तो ये गेट में भी पूरा जंगल है, घुसने का रास्ता ही नहीं। तो अभी हम चलते हैं क्लास के अंदर, क्लास का हालत क्या है और यहाँ का एक मेम्बर से भी बात करेंगे, जैसे ये स्कूल को कितना पावरलेस चाहिए, जैसे देतक विलेज का जैसे गामबुरा से बात करेंगे, हेड गामबुरा से, मतलब ये सिचुएशन कैसे ऐसे हो गया और कब से हुआ है? स्कूल लगा गल्लू डोलू गए तो बजे को मंडू यार डो पतर तो आई तोड़ला वोलू दीदी इसमें गो मैं कुम्हारा रिक्वेस्ट ला एम एल ए साहब में तारी खुला डी सी के तेल को माला बोलो इसको लम दीपांग में पर मंग लुक तो इलांगो आओ ना मैं एम तो देख बोलो ट्रांसफर इना मैं बोलो लाला थी लांग खुला बोलो दीपांग में पर मैं लुक तो दे इना मैं को का मांग एम दूं को दे को कमारो रे इमांग आई पक पे बोलो डोलूंग इंटरेस्ट दुआ मिलो दोस्त पुंडो जो ने तू कत्रुआई इनम हुपाक स्कूल का कुमा इदो कोम मुल हुपाक कोम स्कूल हे मोयक दु दिबांगा दिपा मो पमंग मोय दु कैला हकना स्पेशलिटी सेम तो मेलन पंग को तान दु इला गोल रोल मो बजे को तोर के तो को का मंग एम नो सरकार ए कोम बजे को बोल लेनिलम आला एम के तो देम गोल तकाम मुल दिपा मो पम एम के तो इदो स्कूल स्टूडेंट का मालो si anyo ko problem kay inama so pa ko mulo di pang mo pa mang mo do mulo student na ko to dos baro jon pundo jon na to mata mulo kay dem at dem mulo do lunga de ka pa mo do at di pang mo to lig ma do thank you bahut acha hai aaj hamara basti ko visit kiya hai bahut acha aaya actually ye स्कूल 1991 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बिल्डिंग को, उसके बाद दो अभी तो चार साल हो गया डिफंड हुआ ना, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी विजिट नहीं किया है, और हम बस्ती का एक वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन द विलेज अथॉरिटी ऑफ दिस विलेज वी हैव सबमिटेड द सेवरल टाइम टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट बट टिल दैट वी हैव नॉट गेट द गुड रिजल्ट, इसलिए अभी डिफंड होने के कारण से अभी जंगल भी हो गया और बेंच है इस तो नहीं, बेंच तो पहले से भी नहीं था, पहले से भी नहीं था, वो तुरा था, लेकिन क्या क्या हो के ये एक्चुअली हम लोग का कंसर्न ये लीडर लोग का वजह से भी हुआ है। कम से कम अगर हम लोग का यहाँ में तो ब्लॉक लेवल का भी लीडर सियांग बॉयज की तमाम दर्शकों, आप सभी को अभी फाइनली हम आ गया दफी विलेज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, तो यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे बिल्कुल स्कूल जो एक गोरू ग्वाल का जैसे नज़र में दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें अब बढ़ती है जैसे गोरू का टॉयलेट क्या क्या देखने में आ रहा है। तो विवास आप सभी को मेरा ये बात कहना गलत नहीं होगा, जैसे आप सभी स्कूल को देख रहा होगा, ये स्कूल में आज का दिन में कोई स्टूडेंट भी बिल्कुल नहीं है, और देखा गया तो यहाँ पे स्टाफ है, तो स्टाफ से भी थोड़ा हम बात करके आप सभी को बताएं क्यों ऐसे हो रहा है, और स्कूल का हालत जो बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसे आप सभी देख रहा होगा जैसे यहाँ में देखा गया तो अंडर में पूरा बारिश भी बढ़ती है और यहाँ में पूरा वॉल भी नहीं है और दरवाज़ा भी ऐसे सिचुएशन में है जैसे अंदर से लॉक किया, ये सिस्टम जो क्या सिस्टम है इसे भी हम जानने के लिए बात करेंगे। ये अंदर ये ऊपर
कैमरामैन ऊपर देखा, आप ऊपर में भी देखा गया तो ऊपर में बिल्कुल टीना भी नहीं है। जैसे ये स्कूल का सिस्टम जो बहुत रॉन्ग देखने में आ रहा है मेरा ख्याल से, मतलब पूरा क्लास के अंदर बारिश बढ़ती है और उसका बस सीलिंग बिल्कुल नहीं है और पेन भी कुछ भी नहीं है और स्टूडेंट भी बिल्कुल आज का दिन में नहीं है। और सुनने में आ रहा है उनका परसों से एग्जाम है, परसों से एग्जाम है, तब भी मेरा ख्याल से तीसरा लोग आज अटेंड करना चाहिए था। उन लोग अटेंड करने का टाइम जो अभी भी है जा सकते हैं, वो लोग 1-2 PM को जा सकते हैं, लेकिन अभी तो अटेंड करना चाहिए था। तो इसे भी हम जानकारी लेंगे आप सभी को, उसका बाद हम दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। ऊपर दिखा, ऊपर नीचे सब देखो, गाय का गोल जैसे आपसे भी देख रहा होगा, जैसे स्टूडेंट लोग को यहाँ पे वो लोग देखो परा गया है, लेकिन भी क्लास का अंदर में देखने में ऐसे आ रहा है जैसे देखो यहाँ पे पूरा टॉयलेट भरती है और बेंच भी हमें उतना रखा गया कि एक बेंच और उन्हें एक टेबल, दो बेंच और पूरा यहाँ पे टॉयलेट भरती है, गाय का टॉयलेट। और कैसे वो लोग यहाँ में पढ़ाता होगा इसे भी हम सवाल करेंगे यहाँ का हेडमास्टर और यहाँ का स्टाफ लोग से। जे देखो स्कूल का हालत ऐसे हालत में है जैसे क्लास का अंडर में गाय का टॉयलेट है। तो ये आफर प्राइमरी स्कूल डिफरेंट, तो आज हम लोग अंदर द लईदांगो स्टूडेंट यूनियन का नाम से हम लोग स्कूल विजिट करने आया हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट। तो यहाँ में आज विजिट करते हमें नज़र आता है कि यहाँ में स्कूल में पान तो लगता है, पान तो आया गया है, स्कूल तो मेंटेनेंस के लिए पान फंडिंग किया है, लेकिन हमको लगता है कि स्कूल का जो पान जो है फुली यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो आपको हम दिखाता हूँ कि बाहर से अच्छा है, नज़रिया अच्छा है, लेकिन जब आप अंदर में देखता है ये तो पूरी ठीक है, लेकिन इसका प्रोविजन देखिए, यहाँ में तो अगर आप मेंटेनेंस किया है तो यहाँ पे एक सीलिंग पेन होना चाहिए, तो यहाँ पे सीलिंग पेन प्रोविजन नहीं है। और दूसरा रूम में लेके जाते हैं, उसमें कंडीशन कैसे है। लास्ट वन, तो यहाँ में लास्ट में यही है काला चेस्ट। देखिए यहाँ में मेंटेनेंस का पान हमको लगता है फंडिंग किया है स्कूल में, ये बाहर का नजरिया है, आउटसाइड लुक्स है। जब आप अंदर में देखिए ये, तो यही है आपका जो है असली सच्चाई जो है, जो रियल ट्रूथ बिहाइंड द UPS अपर प्राइमरी स्कूल। जब फिर देखिए पांडिंग तो किया है, लेकिन हमको लगता है पान जो है मिस यूटिलाइज किया गया है। देखिए वॉल पे यहाँ पे गिरा हुआ है, अब कैमरा में उसको लीजिए, कितना साल हो गया, कितना महीना हो गया, यहाँ में वॉल जो है टोटली कलप्स होके बैठा हुआ है। अभी एक दो मिनट के लिए मैं यहाँ का स्टाफ से बात करना चाहूँगा कि ये जो है फंडिंग स्कूल में कितना फंडिंग किया गया है और कितना अमाउंट था। तो सर आप हमको लगता अभी आप भी देखा है, यहाँ में देखिए उसको तो ले गए ना, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको बाहर का नज़रिया भी देखा है, बाहर तो बहुत अच्छा से पेंटिंग भी किया गया है एंड देन ऊपर में भी सीलिंग पे नया लगाया गया है, लेकिन जो बाहर साइड में आप देखिए ये साइड में पेंटिंग नहीं किया गया है। और आप देखिए
उसका जो वॉल भी पूरा टोटली डैमेज है, एंड देन यहाँ में मेंटेनेंस किया गया है तो उसका अमाउंट सीलिंग पेंट का अमाउंट तो आया हुआ होगा, लेकिन यहाँ में सीलिंग पेंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन नहीं है। तो इसमें देखिए यहाँ का फंडिंग, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज क्या है क्या नहीं है, वो तो हम स्टाफ है, नॉर्मल स्टाफ है, ये यहाँ का मालिक कौन है, काम कौन किया है, वो तो हाँ मानता है गांव का एक कॉन्ट्रेक्टर ये काम किया इस बार। तो पेन तो हम सीधा बताऊंगा, पेन तो साल पास पैकेट ये डोज दिया है, ऑफिस में रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ में लटका के रखेगा, कोई रात को आके चोरी करेगा, ये आपका सिक्योरिटी भी नहीं है स्कूल में, तो ये पेन का बारे में हम बोल दिया। और स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोलैप्स हो रहा है वो तो हम नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम एक नॉर्मल स्टाफ है। और कोई आप लोग आज हमको सवाल किया कि प्रिपरेटरी लीव में स्टूडेंट तो प्रिपरेटरी लीव में हो लीव बैठता है, लेकिन आपका टीचर क्यों नहीं आया, तो हम लोग का आज भी एक्चुअली बर्न नहीं है स्टाफ, सिर्फ तीन स्टाफ है, तीन स्टाफ से एक अंडर प्रोसेस सुपरेंटेंडेंट, वो रिटायर के लिए अभी आईपीएस बोलता है, उसका पेंशन के लिए कुछ बागडोर कर रहा है पासीघाट ईटानगर, हमारा एक स्टाफ, और एक हेड टीचर है वो भी नहीं आया। हेड टीचर जो आज पेपर 25 को ये मंडे को हम लोग का एग्जाम होने वाला है हाफियाली, तो ये हाफियाली भी यहाँ से प्रिपेयर नहीं किया जाता है, हेड ऑफ द ऑफिस से आता है, एसओडी से आता है, वहाँ से हाफियाली का प्रिपरेशन डेट टाइम सब वहाँ से आता है हाफियाली इस बार का। तो वहाँ में वो पेपर के लिए गया है हेड सर, तो और एक स्टाफ है वो फिर कंप्यूटर उसी काम में दोनों लगा हुआ है, एक तो सुपरेंटेंडेंट रिटायरमेंट के लिए अभी बागडोर कर रहा है ईटानगर पासीघाट ऐसे, तो हम आया है, तो कल तो आएगा स्टाफ सब, आज के लिए वो दोनों गया है, स्टाफ कोई नहीं है, हम लोग का बहुत कमी है, तीन स्टाफ है, तीन टीचर है, एक यूपीएस को चला रहा है। तो मैं लास्टली मीडिया सर को भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग लेबांगो स्टूडेंट यूनियन को भी रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ का स्टाफ पोजिशन थोड़ा और आप लोग मदद कीजिए, यहाँ का पानी के लिए आप लोग थोड़ा काम कर दीजिए, यहाँ का फर्नीचर देखिए, आप लोग आज देखा है कुछ फर्नीचर तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो फर्नीचर के लिए भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एग्जाम ये हम लोग का क्लस्टर सेंटर है, वहाँ से जीआरएस से भी आता है, नीचे पीएस एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ से भी आता है, ये जब अरुण बोर्ड होता है, तो इसके लिए फर्नीचर का प्रॉब्लम, हम लोग एकोमोडेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम है।